क्वेश्चन है, ये आपको ना एक डायग्राम दे रहा है, साइक्लिक प्रोसेस दे रहा है। इस साइक्लिक प्रोसेस में ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है। आपको पूछा नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या है, तो क्या करेंगे, एरिया इनसाइड अ साइकिल, तो ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, इसका वर्क डन पॉजिटिव होगा क्योंकि क्लॉकवाइज है, इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे नेगेटिव होगा क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है, पर वर्क डन तो एरिया से निकलेगा। तो वर्क डन की वैल्यू अगर निकाल लें, चलो इस ट्राइंगल के निकालते हैं, तो क्या होगा, हाफ इंटू बेस, बेस क्या है, वॉल्यूम वी टू माइनस वॉल्यूम वी वन, और हाइट क्या है, ये हाइट है पी नॉट माइनस पी वन, तो पी नॉट माइनस पी वन। क्या स्टेप क्लियर है, एरिया आ गया, ये पॉजिटिव एरिया होगा क्योंकि साइक्लिक है। फिर इसकी इसकी बात करते हैं, इसका वर्क डन क्या होगा, हाफ इंटू बेस, बेस क्या है, वी फोर माइनस वी थ्री, वी फोर माइनस वी थ्री, और हाइट क्या है, ये हाइट देख रहे हो, ये हाइट क्या है, ये हाइट है ये हाइट माइनस ये हाइट, ये हाइट क्या है, पी थ्री, ये हाइट क्या है, पी नॉट, पी थ्री माइनस पी नॉट। क्लियर है, नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या है, नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन पहले का नीचे के ट्राइंगल का वर्क डन पॉजिटिव और ऊपर वाले का नेगेटिव। डन, वैल्यूज पुट कर लें आप। जब वैल्यूज पुट करने लगे तो v2 माइनस v1 क्वेश्चन में गिवन है, मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेंगे, p0 गिवन है सही है, p1 गिवन है सही है, p3 गिवन है सही है, p0 गिवन है सही है, क्या नहीं गिवन, v4 माइनस v3, ये प्रॉब्लम है इसकी, नहीं है ना। तो अब क्या करेंगे निकालने के लिए, मैथ लगाएंगे, सिमिलर ट्राइंगल्स, ये दो ट्राइंगल्स सिमिलर हैं, ये रूल लगेगा इसमें, ये वाला और ऊपर वाला। सिमिलैरिटी का रूल क्या कहता है, इस ट्राइंगल का बेस v2 माइनस v1, ऊपर के ट्राइंगल का बेस v4 माइनस v3, इस ट्राइंगल की हाइट, हाइट क्या है, p0 माइनस p1, इस ट्राइंगल की हाइट p3 माइनस p0। अब आपको ये निकालना है, गिवन 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 गिवन, अब पुट करेंगे तो आंसर आएगा, नहीं तो आंसर नहीं आएगा, ये ट्रिक है। ठीक है, पॉइंट समझ में आया यहां तक, फंस गए तो सिमिलैरिटी भी हेल्प करेगी इसमें, कोई डाउट इसमें, समझ में आ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव वर्कडन कैसे हैं, क्लॉकवाइज का मतलब पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब नेगेटिव, और फिर आपको जो टर्म नहीं गिवन होगी सिमिलैरिटी बताएगी। मैंने भी सॉल्व नहीं किया, खैर बड़ा लग रहा था मुझे, पर नीट के हिसाब से पढ़ा है। ठीक, नेक्स्ट है, आपको वर्क डन निकालना है ए बी सी और डी का वर्क डन निकालना है। मुझे एक बात बताओ, ए बी का वर्क डन बोलो क्या होगा, इसके अंडर एरिया, क्या एरिया इसके अंडर बोलो, ये हाइट क्या है, पी नॉट, ये बेस क्या है, माइनस का टू वी नॉट माइनस वी नॉट कितना V0, तो क्या बनेगा, P0 V0, पॉजिटिव के नेगेटिव, नेगेटिव क्योंकि कंप्रेशन हो रहा है, तो साइन नेगेटिव, ये इंपॉर्टेंट है, ये गड़बड़ हो जाती है, तो यहां का वर्क डन क्या आएगा, नेगेटिव आ गया। अच्छा, फिर इसका वर्क डन क्या होगा, जीरो, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। फिर इसका वर्क डन क्या होगा, ये पूरे का पूरा एरिया, ये पूरा एरिया जो कि कितना होगा, ये हाइट क्या है, टू पी नॉट, ये बेस क्या है, थ्री वी नॉट में से वी नॉट गया टू वी नॉट, तो क्या आएगा, फोर पी नॉट वी नॉट, पॉजिटिव, पॉजिटिव क्यों, क्योंकि एक्सपेंशन है। क्लियर है, तो इसमें एक वर्क डन पॉजिटिव है, नीचे का वर्क डन नेगेटिव है, और एक तो जीरो ही है, नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या है, थ्री पी नॉट वी नॉट। समझ में आया कैसे फंसा लेगा, पॉजिटिव नेगेटिव इंपॉर्टेंट है, कोई डाउट इसमें। नेक्स्ट, इसका सॉल्यूशन देखे बिना फटाफट एक सेकंड में बताओ, ए बी सी डी में से कौन एडियाबेटिक कौन आइसोथर्मल है, नहीं रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, बोलो बोलो, ए और बी में से कौन एडियाबेटिक है, इसकी स्लोप बड़ी है, ऐसा इसकी स्लोप बड़ी है, यही किया था, स्लोप ऑफ एडियाबेटिक ग्रेटर देन स्लोप ऑफ आइसोथर्मल, किसकी स्लोप बड़ी है,
तो ए बी क्या होना, बी क्या होना चाहिए, एडियाबैटिक, बी टैन थीटा बड़ा आएगा बी का, हाइट अपॉन बेस, ऐसा ही है, ऐसा ही है। इसमें से ना कोई आइसोथर्मल ना एडियाबैटिक, कुछ भी नहीं है, ए और बी कुछ भी नहीं है, ए और बी कुछ भी नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि आइसोथर्मल होने के लिए पी वी इज अ कॉन्स्टेंट, एडियाबैटिक होने के लिए पी वी रेस टू पावर गामा इज अ कॉन्स्टेंट। अगर प्रेशर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर को घटना चाहिए दोनों में, एकदम बढ़ेगी। अब इसमें हो क्या रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर भी बढ़ रहा है, ना ये आइसोथर्मल ना ये एडियाबैटिक, कुछ भी नहीं है, कंफ्यूज करने के लिए। इनमें है क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर कम हो रहा है, तो इसमें सी की स्लोप ज्यादा है तो सी क्या बनेगा, एडियाबैटिक, डी की स्लोप कम है तो क्या बनेगा, आइसोथर्मल। ऐसे आंसर देना है, समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा डायग्राम देगा और पूछेगा नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन पॉजिटिव की नेगेटिव, तो इसका वर्क डन नेगेटिव एंटी क्लॉकवाइज है, इसका वर्क डन पॉजिटिव क्लॉकवाइज है, पर इसका एरिया बड़ा है तो ऐड करके ओवरऑल वर्क डन नेगेटिव, सही? ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ऐसे एरोज हैं, ऐसे बना लो, ये एरोज हैं, एक्सपेंशन हो रही है। आपको ये बताना है कि प्रोसेस वन आइसोबारिक है, गिवन है, प्रोसेस टू आइसोथर्मल है, गिवन है, और प्रोसेस थ्री एडियाबैटिक है। आपको बताना है कि इन तीनों प्रोसेस में डेल्टा यू किसका पॉजिटिव, किसका नेगेटिव और किसका जीरो है, ठीक है? डेल्टा यू किसका पॉजिटिव, किसका नेगेटिव, किसका जीरो है, ये बताना है। नहीं नहीं, आइसोथर्मल मैं बताऊंगा, आइसोथर्मल का डेल्टा यू जीरो है, आइसोथर्मल का टेम्परेचर चेंज नहीं होता तो डेल्टा यू जीरो है। आप मुझे एडियाबैटिक का बताएं, आप मुझे आइसोबारिक का बताएं, चलो आइसोबारिक का बता दें। आइसोबारिक की क्या इक्वेशन है, पी वी इज इक्वल टू एन आर, ठीक कोई इक्वेशन क्या, यही इक्वेशन है इसकी। तो आइसोबारिक में प्रेशर क्या है, कॉन्स्टेंट है, वॉल्यूम क्या हो रहा है आइसोबारिक में, इंक्रीज, तो टेम्परेचर भी क्या होगा, इंक्रीज, तो डेल्टा यू क्या होगा, पॉजिटिव, टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेल्टा यू पॉजिटिव, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट एडियाबैटिक में, एडियाबैटिक में क्या हो रहा है इसमें, नेगेटिव कैसे, क्योंकि एडियाबैटिक में जब फर्स्ट लॉ लगेगा डेल्टा डी क्यू इज डी यू प्लस डी डब्ल्यू, एडियाबैटिक में डी क्यू क्या है, जीरो, तो डी यू क्या है, माइनस डी डब्ल्यू। अब इसका वर्क डन पॉजिटिव आएगा एडियाबैटिक का, क्योंकि एक्सपेंशन है, वर्क डन पॉजिटिव लेकिन आगे साइन क्या लगा हुआ है, नेगेटिव, तो डी यू क्या आएगा, नेगेटिव, ऐसे चेक करना है। तो समझ में आ रहा है यहां तक, कैसे चेकिंग करनी है, क्लियर है? नेक्स्ट अगली बार का काम ऐसा लग रहा है कुछ है, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस वालों के लिए, स्पेशली नीट वालों के लिए भी है, ऐसी बात नहीं है। क्वेश्चन दो बार बैक टू बैक मेंस में आया हुआ है, वैसे बता दूं मैं आपको, और इसमें पता नहीं आएगा नहीं आएगा, इस क्वेश्चन को छोटा करके आ सकता है, उस टाइम तो बड़े क्वेश्चन आते थे, तो ये पूरा क्वेश्चन आया हुआ है, छोटा करके भी आ सकता है। तो पहले क्वेश्चन है कि ये पढ़ो, क्वेश्चन देखो, सारा काम सिर्फ कंपटीशन का है, इसमें कुछ भी एनसीईआरटी का नहीं है, एनसीईआरटी खत्म हो गई, बस खत्म है, अगली बार भी ओनली कॉम्पिटिशन चलेगा, एनसीईआरटी नहीं है।
देखो पहले एक फॉर्मूला लिखो, आपको ना हीलियम गैस गिवन है, हीलियम गैस मोनोटॉमिक गैस है, पहले तो ये समझो मोनोटॉमिक गैस है। ये फिजिक्स वाले एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको गैस का पता भी हो, मोनोटॉमिक डायटॉमिक, बोल भी नहीं रहा मोनोटॉमिक है, इसमें चाहिए मुझे मोनोटॉमिक वर्ड। फिर वो आपको ना एक प्रोसेस दे रहा है, साइक्लिक प्रोसेस है, कह रहे इसकी एफिशिएंसी निकाल दो। एफिशिएंसी का ना बाय डिफॉल्ट एक फॉर्मूला होता है, आउटपुट बाय इनपुट, सिंपल। कोई भी साइकिल में जब आप गैस को कंप्रेस और एक्सपैंड करोगे, आप हीट दोगे जिससे कि गैस एक्सपैंड या कंप्रेस जो भी होगी और वो वर्क डन करेगी। तो पहले एक फॉर्मूला नोट करो, ये वाला एफिशिएंसी का फॉर्मूला फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस ये रहा, वर्क डन, फॉर्मूला बुकलेट में नोट करो, इंपॉर्टेंट है, वर्क डन नेट वर्क डन अपॉन क्यू पॉजिटिव, क्यू पॉजिटिव, क्यू पॉजिटिव का मतलब जितनी हीट हमने गैस को दी वो हीट, जो रिजेक्ट हुई वो नहीं, वो क्यू नेगेटिव होती है। तो आपने कौन सी हीट लेनी है, क्यू पॉजिटिव, ठीक है। देखो वर्क डन मैं निकालूंगा, वर्क डन तो मैं निकाल दूंगा, एरिया इनसाइड अ साइकिल, तो क्या होगा, पी नॉट इंटू वी नॉट, पॉजिटिव की नेगेटिव, क्यों, क्लॉकवाइज है, तो पी नॉट वी नॉट वर्क डन तो आ गया, सिर्फ क्या निकालना है, क्यू पॉजिटिव। अगर मैं क्यू पॉजिटिव निकाल दूं आंसर आ जाएगा, ठीक है क्यू पॉजिटिव निकालते हैं। क्यू पॉजिटिव निकालने के लिए मेरे को एक चीज का आंसर दो प्लीज। देखो सोचना कैसे आपने, जब गैस डी से ए तक जा रही थी तो बताओ मेरे से हीट ले रही थी क्या, हीट सिस्टम से बाहर फेंक रही थी, डी से ए जाने में उसने मेरे से हीट मांगी कि फेंक रही, बाहर फेंक रही है, जो है ले रही है मुझसे, क्यों, कंप्रेस किया, ये लो गैस कंप्रेस, नीचे से हीट निकल गई, मेरे से क्या लिया, कुछ भी नहीं, मैं तो सिर्फ पिस्टन दबाया है, एक्सपैंड अपने आप नहीं कर सकती, एक्सपैंड में मुझे हीट देनी पड़ती है। तो डी से लेके ए तक वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है कंप्रेशन में, कंप्रेशन में हीट कभी नहीं लेगी, हीट क्या करेगी, रिजेक्ट, पूरा कंप्रेस होने के बाद हीट बिल्कुल फाड़ फेंक देगी, तो यहां पर क्यू क्या आएगा, नेगेटिव, मुझे नहीं चाहिए। फिर उसके बाद सी से लेके डी तक बोलो, हीट ले रही है कि दे रही है, वॉल्यूम क्या है, कॉन्स्टेंट, प्रेशर क्या हो रहा है, कम की ज्यादा, डिक्रीज, तो डिक्रीज तो तभी होगा जब हीट बाहर फेंकेगी, तो फिर से क्यू यहां पर क्या है, नेगेटिव, प्रेशर कम हो गया। अब इधर आ जाओ, वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर कब बढ़ा, जब मेरे से हीट ली, एक्सपैंड हुआ, एक्सपैंड ना भी हो वॉल्यूम कांस्टेंट रखा हुआ है, प्रेशर तो बढ़ा, तो यहां पर क्यू क्या है, बी से लेके सी एक्सपेंशन है, ये तो पक्की बात है, क्यू क्या है, तो मैं यहां पर इंटरेस्टेड हूं ए से बी में और बी से सी में, तो मेरे को हीट निकालनी पड़ेगी, क्यू पॉजिटिव, ए बी में कितनी हीट गई, बी सी में कितनी गई, उनका एडिशन निकालना पड़ेगा, तो वो क्यू पॉजिटिव माननी चाहिए। तो याद रखना, जब प्रेशर बढ़ेगा तो भी क्यू पॉजिटिव, जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो भी क्यू पॉजिटिव, प्रेशर या वॉल्यूम घटेगा तो क्यू नेगेटिव, याद हो गया यहां तक, ठीक है यहां तक। अब निकालें क्यू पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी निकलेगा, चलो शुरू करते हैं। ए बी, ए बी प्रोसेस में ये बताओ वॉल्यूम क्या है, कॉन्स्टेंट है, ए बी में वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है, कितना है, पी नॉट है, प्रेशर कहां से कहां इंक्रीज हो रहा है, पी नॉट से 2p नॉट है, प्रेशर चेंज हो रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, लिखो a से लेके b तक वॉल्यूम कांस्टेंट है, जब वॉल्यूम कांस्टेंट तो हीट का फॉर्मूले में क्या आएगा, n cv dt, मोनोटॉमिक गैस का cv याद रखना है 3/2 r है, याद करना है, तो ये टर्म आ गई आपके पास nr dt, फिर गैस की इक्वेशन लिखनी है pv = nrt, इसको डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो चेंज इन प्रेशर होगा डीपी, वॉल्यूम तो चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर चेंज होगा डीटी, क्योंकि वॉल्यूम अगर प्रेशर चेंज होगा तो टेम्परेचर भी चेंज होगा, तो एन आर डी टी की जगह क्या आएगा, वी डी पी, तो एन आर डी टी की जगह वी डी पी। अब मुझे पता है कि इस क्वेश्चन में जो हम कर रहे हैं वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है, बोलो कितना, वी नॉट, करेक्शन करो यहां क्या है, वॉल्यूम की जगह क्या पुट करेंगे, वी नॉट, चेक करो ग्राफ, ए से लेके बी तक वॉल्यूम वी नॉट है, और प्रेशर कितना है, 2p0 - p0, तो ये आपके पास हीट की वैल्यू आ गई ए से बी तक, तो ए से लेके बी तक हीट आ गई, कोई डाउट इसमें, नेक्स्ट है। अब बात करते हैं किसकी, बी से सी तक, बी से लेके सी तक प्रेशर क्या है, कांस्टेंट, वॉल्यूम बढ़ रहा है 2v0 से v0 से 2v0, तो एक काम करते हैं, प्रेशर क्या है, कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट तो हीट का फॉर्मूला एन
सीपी डी टी एंड मोनोटॉमिक गैस का सीपी क्या होता है 5/2 R, ये क्वेश्चन आ गई। फिर से गैस की इक्वेशन लिखें, डिफ्रेंशिएट करें, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट तो चेंज क्या होगा वॉल्यूम, जिससे टेम्परेचर चेंज होगा, तो एन आर डी टी की जगह पी डी, उसमें वी डी पी था, इसमें वी डी पी है, तो यहां पर सॉरी पी डी वी है, तो यहां पर क्या आएगा पी डी वी। तो प्रेशर की जगह क्या पुट करें, कॉन्स्टेंट कितना है 2P0, देख रहे हो P की जगह 2P0 और dV की जगह चेंज इन वॉल्यूम, सॉल्व करके क्या आ गया, ये आ गया, अब एफिशिएंसी आ गई, वर्क डन अपॉन चेंज Q पॉजिटिव आंसर आ गया 15.4%। है कि नहीं जबरदस्त क्वेश्चन, कहां से ढूंढ के लाए। अगले साल फिर आया सेम क्वेश्चन, दिल खुश हो गया सबका, कमाली हो गई, क्या क्वेश्चन पता दिया, कह रहा है इसके अंदर फिर से मोनोटॉमिक गैस है हीलियम, फिर से सेम अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सोर्स, अंडरलाइन करो अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सोर्स, ये बताओ क्यू पॉजिटिव क्या थी ऊपर, क्यू पॉजिटिव ये थी, सेम क्वेश्चन है ना, क्यू पॉजिटिव तो वही निकलेगा सेम, बाकी प्रश्न सेम ही है, क्यू पॉजिटिव समझते हो गैस में कितनी हीट गई, उसने गैस पे क्वेश्चन पूछा ही नहीं, उसने सोर्स पे पूछा, मैंने कोयला जला के गैस को गर्म किया था, मेरे कोयला सोर्स है, उसमें से कितनी हीट गई, तो जो भी हीट गैस को मिली इतनी मिली, पर मेरे लिए तो लॉस हो गया ना, तो गई के लिए क्या लगेगा साइन नेगेटिव, क्योंकि गैस के ऊपर क्वेश्चन ही है, सोर्स के ऊपर क्वेश्चन है, सोर्स में से सोर्स का लॉस है, तो क्वेश्चन गैस, अगर क्वेश्चन आएगा गैस को कितनी हीट मिली, फिर तो पॉजिटिव आंसर है, सोर्स में से कितनी हीट गई तो नेगेटिव आंसर है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन में क्या ट्रिक खेल गया, अब जिसने मारा हुआ रट्टा वो क्या करेगा, वो सीधा मार्क करेगा, जी आंसर याद है मेरे को, बोलो किसमें चाहिए ही नहीं मेरे को, हीट एक्सट्रैक्टेड का मतलब है कि जो मैंने हीट एक्सट्रैक्ट की, जो मैंने उसको दी क्यू पॉजिटिव, वो तो गैस फेंकेगी, तो गैस का काम है कंप्रेशन है, वो नहीं कैलकुलेट होना, मेरे से जो ली वो क्यू पॉजिटिव है, वो मैंने दे दी उसे खत्म, जिससे प्रेशर वॉल्यूम इंक्रीज कर लिया, तो पॉइंट सबको समझ में आ रहा है यहां तक।